रोजाना इस्तेमाल की चीजों में भी राहत, तेल साबुन दवाइयां सस्ती। इलेक्ट्रॉनिक सामान भी होंगे सस्ते, टीवी मोबाइल और कंप्यूटर पार्ट्स की कीमतों में भी राहत। कॉस्मेटिक्स के सामान के लिए करनी होगी जेब ढीली, रेडियो टैक्सी का इस्तेमाल करना पहले से महंगा। सिगरेट और तंबाकू हुआ महंगा, कोल्ड ड्रिंक और रेडीमेड कपड़ों के लिए भी करना होगा ज्यादा खर्च। स्टील के सामान, सौर ऊर्जा से जुड़े उपकरणों की कीमतें भी कम करने का प्रस्ताव। विदेशों में शॉपिंग करना होगा सस्ता, 45,000 रुपए तक का सामान लाने पर कोई टैक्स नहीं। डिब्बा बंद खाना भी पहले से सस्ता, 1,000 रुपए तक के जूते भी सस्ते। महिलाओं के लिए खुशी की खबर, डायमंड सहित कीमती पत्थर होंगे सस्ते। गंगा सफाई के अध्ययन के लिए भी बनेगा फंड, 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। और हम सब में चाहते थे कि आम आदमी पे बोझ ना पड़े, बोझ इसलिए ना पड़े कि उसको अगर टैक्सेस हम बहुत बढ़ा देंगे तो उस बेचारे की क्या परिस्थिति होगी। वित्त मंत्री ने कहा, खराब मानसून और इराक संकट सबसे बड़ी चुनौती, सरकार हर हालात के लिए है तैयार। नई सरकार के पहले बजट पर नरेंद्र मोदी ने दी अरुण जेटली को बधाई, कहा सबका साथ सबका विकास है लक्ष्य। नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, प्राणहीन अर्थतंत्र के लिए बजट है नई संजीवनी। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने बजट को बताया दिशाहीन, कहा कैसे आएंगे अच्छे दिन। आज जो बजट पेश किया जेटली जी ने, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा डिक्टेटेड और गाइडेड जो फाइनेंस काज बजट रखा गया है, बिल्कुल मोस्ट कंफ्यूज। आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल ने कहा, महंगाई कम करने के लिए बजट में कोई ठोस उपाय नहीं। लोगों को यह लग रहा था कि पिछले एक महीने में जो महंगाई हुई है, इस बजट के अंदर वो जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि अब महंगाई कम होगी, लेकिन इस महंगाई के ऊपर ये पूरा का पूरा बजट साइलेंट है और महंगाई को कम करने के लिए कोई भी एक भी कदम नहीं उठाया गया। भोपाल में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, जेटली और मोदी के पोस्टर का जलाया। पुणे में थाने के पास ब्लास्ट, बाइक में रखा गया था विस्फोटक। धमाके में 3 लोग जख्मी, मुंबई से एटीएस की टीम रवाना। पुलिस ने लोगों से की अपील, धमाके को लेकर दहशत में आने की जरूरत नहीं। वारदात की जगह के पास है दगड़ू शेठ गणेश मंदिर, पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच। महाराष्ट्र के गृह मंत्री आर पाटिल ने कहा, वारदात के पीछे किसका हाथ, ये जांच से सामने आएगा। जानी मानी अभिनेत्री जोहरा सहगल का निधन, 102 साल की उम्र में ली आखिरी सांस। थिएटर में अपने योगदान के लिए जानी जाती हैं जोहरा, पृथ्वीराज थिएटर से रहा लंबा रिश्ता। बॉलीवुड में भी जोहरा सहगल ने किया काम, बिग बी के साथ चीनी कम में आई थी नजर। बिंदास शख्सियत थी जोहरा सहगल की पहचान, पद्मश्री और पद्म विभूषण से सम्मानित। दिल्ली में बेटी के साथ रहती थी जोहरा, आज दिल्ली के लोधी रोड में किया जाएगा अंतिम संस्कार, प्रधानमंत्री ने जताया शोक। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में आसमान से बिजली गिरने से हुआ हादसा, 9 की मौत। हावड़ा जिले के श्यामपुर में हुआ हादसा, 6 की हालत गंभीर।
घायलों का इलाज अस्पताल में जारी, अभी तक हालत बेहद नाजुक। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया मरने वालों के लिए 2-2 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान। राज्य सरकार ने खराब मौसम में लोगों को सावधान रहने के लिए कहा अलर्ट। गुड़गांव में रॉ के आईजी स्तर के अधिकारी पर महिला से जबरदस्ती करने का आरोप, आईपीसी की धारा 509 492 के तहत मामला दर्ज। मणिपुर के रहने वाली पीड़ित महिला गुड़गांव की एक एक्सपोर्ट कंपनी में एमडी, महिला का आरोप, पुलिस बरत रही है मामले में ढील। पुलिस कर रही है मामले की जांच, पुलिस का दावा जल्द होगी आरोपी रॉ अधिकारी की गिरफ्तारी। इसके बारे में एफआईआर दर्ज की ली गई, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 452-509 आईपीसी के तहत दर्ज किया गया। शिकायत करने वाली महिला का आरोप, दबाव में काम कर रही है पुलिस, रॉ के उच्च अधिकारियों से की जाएगी आरोपी की शिकायत। अमेरिकी उप विदेश मंत्री विलियम बर्न भारत के दौरे पर, गुरुवार को विदेश मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री से मुलाकात। सितंबर में अमेरिकी दौरे पर जाने वाले हैं पीएम मोदी। सूत्रों के अनुसार दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग के एजेंडे पर हुई चर्चा। विलियम बर्न ने दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सफल नेतृत्व की शुभकामनाएं। विदेश मंत्री और विदेश सचिव से भी मिले बर्न, द्विपक्षीय वार्ता के एजेंडे पर हुई चर्चा। 31 जुलाई को अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी भी आएंगे भारत, सुषमा स्वराज से होगी उनकी मुलाकात, बातचीत के विषयों की रूपरेखा पर चर्चा। भारतीय नौसेना को सौंपा गया भारत में बना सबसे खतरनाक जंगी जहाज। कोलकाता श्रेणी का है जहाज, इसी महीने भारतीय नौसेना में शुरू हो जाएगी इसकी सेवा। मुंबई में और बढ़ने वाला है पानी का संकट, बीएमसी कर रही है 10-15% कटौती पर विचार। कम मानसून के चलते शहर में पानी की आपूर्ति करने वाली 7 झीलों का जलस्तर कम होने की वजह से बना संकट। पहले से ही मुंबई में पानी की सप्लाई में हो रही है 20% की कटौती, कटौती किए जाने से बिगड़ेंगे हालात। यूपी के पर्यटन राज्य मंत्री सुधीर सजन के पीएसओ की गिरफ्तारी, महिला की हत्या करने का आरोप। कानपुर के नौबस्ता थाना इलाके में हत्या के बाद हाईवे पर फेंका गया था शव, पुलिस ने किया दारोगी जगराम को भी गिरफ्तार। आईजी आशुतोष पांडे ने किया खुलासा, मंत्री के पीएसओ के थे महिला से अवैध संबंध, छुटकारा पाने के लिए किया मर्डर। भी इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो मुलजिम हैं वो जगराम सिंह हैं, वो पीएसओ हैं, सुरक्षा में एक तैनात हैं और उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें भी जेल भेजा जाएगा। घटना के बाद पुलिस ने नहीं किया था मामला दर्ज, जांच में ढिलाई बरतने के लिए थाना अध्यक्ष को हटाने के आदेश। यूपी के राज्यपाल अजीज कुरैशी ने सरकार के तमाम विभागों को दिए निर्देश, दफ्तरों में लगाई जाएं पीएम मोदी की तस्वीरें। कांग्रेस नेता कर रहे हैं कुरैशी का विरोध, यूपी सरकार ने बनाया था उत्तराखंड का राज्यपाल, कुरैशी को सौंपा गया है अतिरिक्त प्रभार। ग्रेटर नोएडा के नवरंगपुर गांव के पास सरेसराह बदमाशों ने बरसाई गोलियां, शख्स की मौत, 2 की हालत गंभीर। कार में सवार होकर अदालत से गांव की तरफ जा रहे थे किसान, बदमाशों की गोलियों का निशाना बनने के बाद शख्स की हुई मौत। घटना की जांच में जुटी पुलिस, आपसी रंजिश में हत्या किए जाने का शक, अनिल दुजाना गैंग पर शक। वाराणसी में दशाश्वमेघ घाट पर बिना इजाजत वीडियो शूटिंग करने के आरोप में 3 गिरफ्तार।
ड्रोन कैमरा वॉकी टॉकी से कर रहे थे डॉक्यूमेंट्री के लिए शूटिंग, अचानक उड़ता हुआ कैमरा देखने के बाद मचा हड़कंप। आतंकी वारदात के बाद से अति संवेदनशील माना जाता है दशाश्वमेघ घाट, बिना आज्ञा के की जा रही थी शूटिंग। राजधानी दिल्ली में सातवीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा से रेप, लड़की के पिता पर ही दुष्कर्म का आरोप। एक साल से बेटी को बना रहा था अपना शिकार, पुलिस ने किया पिता को गिरफ्तार। दिल्ली के हरिनगर इलाके से पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर वाहन चोर, चार बाइक भी बरामद। डीयू से ग्रेजुएट है चोर, बाइक चोरी करने के बाद उनके अलग अलग पुर्जे बाजार में बेचता था। दिल्ली के कल्याणपुरी में बीकॉम की छात्रा से शादी का झांसा देकर किया रेप, पीड़िता का पड़ोसी है शख्स। झांसा देकर रेप किया गया है मेरे साथ 3 महीने तक, और जब मैंने शादी के लिए, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ 3 महीने शादी के लिए बोल रही, तो वो छोड़ के चला गया है। पुलिस ने रेप की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, आरोपी की तलाश शुरू, युवती गंभीर हालत में जीटीबी में भर्ती। दिल्ली में बिजली की मांग का बना नया रिकॉर्ड, 10 जुलाई को दिल्ली में रही 5,789 मेगावाट बिजली की मांग। लगातार बढ़ती गर्मी की वजह से बढ़ रही है बिजली की मांग, दिल्ली में कभी नहीं हुई इतनी एक साथ बिजली की खपत। मॉनसून के बाद भी दिल्ली ने निकाला गर्मी ने दिल्ली वालों का दम, गुरुवार रहा जुलाई का सबसे गर्म दिन, 41.3 डिग्री दर्ज हुआ पारा। दिल्ली के जगतपुरी में लोगों ने 4 दिनों से हो रही बिजली कटौती का किया विरोध, जमकर तोड़फोड़ की और पथराव। 4 दिनों से रोज 11 बजे लाइट जाती है, 3 बजे आती है, 4 घंटे का गैप, उस गैप के दौरान हमारे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, हमारे बच्चों की नींद खराब हो रही है, हमारी अपनी नींद खराब हो रही है। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में 2 दिन के खेल में भारत की स्थिति मजबूत, पहली पारी में बनाए 457 रन। जवाब में इंग्लैंड ने सस्ते में खोया कप्तान कुक का विकेट, खेल खत्म होने तक 1 विकेट पर 43 रन। भारत के लिए मुरली विजय ने बनाया शानदार शतक, 25 चौकों 1 छक्के की मदद से 146 रन बनाए। बयासी पर रन आउट हुए कप्तान धोनी, मुरली विजय के साथ 126 रनों की साझेदारी। जडेजा ने बनाए 25 रन, 1 रन बनाकर सस्ते में आउट हुए बिन्नी। अंतिम विकेट के लिए हुई साझेदारी की बदौलत भारत ने खड़ा किया बड़ा स्कोर, 10वें विकेट ने जोड़े 111 रन। भुवनेश्वर कुमार, मोहम्मद शमी ने खेली उपयोगी पारियां, दोनों ने टीम इंडिया का स्कोर पहुंचाया 450 के पास। भुवनेश्वर कुमार ने 5 चौकों की मदद से बनाए 58 रन, शमी ने 6 चौकों 1 छक्के की मदद से बनाए 51 रन। फीफा वर्ल्ड कप में रविवार को होगा सबसे बड़ा मुकाबला, जर्मनी अर्जेंटीना की फाइनल में भिड़ंत, 3रे नंबर के लिए भिड़ेंगी ब्राजील और नीदरलैंड की टीमें, शनिवार 12 जुलाई को होगा मुकाबला।